स्टेप वन तो गूगल में जाकर ही गूगल टूल का यूज करना है, जिसमें आपने इसे कॉपी कर लेना है। सिंपल कॉपी करने के बाद गूगल में जाकर ही इसे पेस्ट कर देना है। स्टेप टू, और अब आपको यहाँ पर कोई भी आर्टिकल को ओपन कर लेना है। और स्टेप थ्री आपका ये है कि आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड को कॉपी कर लोगे। और स्टेप फोर में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस वेबसाइट पर, जिसपे आपको 632 मिलियन का ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है यूनाइटेड स्टेट और इंडिया, और थर्ड नंबर पर यूनाइटेड किंगडम। तो जो ये तरीका है अर्निंग करने का, मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ, जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको ऑनलाइन अर्निंग करने के नए मेथड सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक गूगल टूल की हेल्प लेनी है, जिसमें कि दोस्तों ये आप देख रहे हैं। ये टूल आपकी कैसे हेल्प करेगा, जैसे काफी लोगों की अर्निंग करने में हेल्प करता है, और यहाँ से मैं खुद भी अर्निंग कर रहा हूँ। वो स्ट्रेटेजी मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। ये एक टूल है गूगल का, जो ट्रांसलेट कर देता है कोई भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में। तो इसकी हेल्प से दोस्तों आपने अर्निंग बनानी है। तो यहाँ पर मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, टॉप 10 वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो ये मुझे स्पेनिश में कन्वर्ट करके दे देता है। आप चाहे तो कोई और सी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब आगे का प्रोसेस जानते हैं। तो सिंपल दोस्तों, इसे कॉपी करना है और अगले स्टेप में आपने फिर से गूगल में चले जाना है, और यहाँ पर आपने सिंपल जाकर सर्च कर देना है। तो आपके सामने काफी सारे आर्टिकल आ जाएंगे, तो इनमें से कोई से भी आर्टिकल को आपने चूज कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये आर्टिकल स्पेनिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। और आप ये काम अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, काफी ज्यादा इजी है। बस जो स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, वो आपने फॉलो करने हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो आपको गूगल के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा गूगल ट्रांसलेट का, तो जो कि स्पेनिश पे होगा वो आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। अब ये जैसे कि स्पेनिश लैंग्वेज हमारी इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी है, ऐसे ही आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। ये काफी ज्यादा आसान है। आपको 3 डॉट मिलेंगे मोबाइल फोन में, और उसके बाद आपने यहाँ पर इधर की साइड आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा गूगल ट्रांसलेशन का, कुछ इस तरीके के आइकन का, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, तो आपकी ये ट्रांसलेट हो जाएगी इंग्लिश में। अब अगले स्टेप क्या है दोस्तों, आपने ये आर्टिकल ढूंढ लिया, अगले स्टेप में सिंपल चले जाना है आपने एक अर्निंग करने के प्लेटफॉर्म पे, जो कि है क्लिकबैंक। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको क्लिकबैंक के बारे में बताऊंगा। आप चाहे तो सीजे एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, वॉरियर प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें बस ये फर्क है कि आप इनमें सॉफ्टवेयर को भी प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आपने कमीशन जनरेट करना है क्लिकबैंक अकाउंट से। और जिन लोगों का भी यहां पर अभी तक क्लिकबैंक अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, तो वो इस वाली वीडियो को जरूर जाकर देख लेना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसे भी डिसेबल प्रॉब्लम आ रही है क्लिकबैंक अकाउंट क्रिएट करते हुए, इस वाली वीडियो को जरूर जाकर देख लेना। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो इसका लिंक भी आई बटन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है अर्निंग करने के लिए। अब आपके सामने लेफ्ट साइड में काफी सारी कैटेगरी आ जाती है, तो अब यहाँ पर कोई भी एक कैटेगरी को चुनेंगे। जैसे कि हम ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आर्टिकल ढूंढ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हमें एक प्रोडक्ट चुनना है। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट है ई बिजनेस ई मार्केटिंग, तो इस कैटेगरी को हम चूज करेंगे। इस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी मिल जाती है आपके सामने, तो अब इस वाली कैटेगरी में चले जाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, जिन्हें प्रमोट करने पे हमें कमीशन रेट आपके राइट साइड में देखने को मिल जाता है, और इतना कमा सकते हैं आप कमीशन। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट को चुन लेता हूँ, जो दोस्तों रिकरिंग पेमेंट आपको देता हो। जैसा कि दोस्तों, ये वाला एक प्रोडक्ट है द 12 मिनट एफिलिएट सिस्टम। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके का ये पेज ओपन हो जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो है, और यहाँ पर नेम देना है, ईमेल डालना होता है, और उसके बाद इसके एफिलिएट पेज पे आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बस हमें इसका एफिलिएट पेज चाहिए, जो लोग यहाँ पर इसे बाय करेंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कमीशन रेट मिलता है $232 का। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा की ये है कि इस वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करने पे कि आपको रिकरिंग पेमेंट मिलती है, यानी कि एक बार सेल कराने के बाद फिर से आपको यहाँ पर $22 की अर्निंग मिलती है, और इसके अंदर सेल होती है, तो आपको यहाँ पर देखिए रिकरिंग पेमेंट देखने को मिलती है। तो अब हम इसी वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो सिंपल प्रमोट के बटन पर हमें क्लिक करना होता है। उसके बाद दोस्तों, हमने ट्रैकिंग आईडी देनी है, उसके बाद क्रिएट होप लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इसका एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। सिंपल इसे आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों, आप इसे कहीं पर भी सेव कर लेना। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इसे सेव कर लेता हूँ, तो अब जानते हैं आगे का प्रोसेस, आगे आपने करना क्या है। सिंपल फिर से चले जाना है अपने गूगल क्रोम में, और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, जिस फ्री ट्रैफिक की मदद से आप यहाँ पर अर्निंग करोगे, वो दोस्तों उस वेबसाइट का नाम आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने एक सेपरेट ईमेल एड्रेस अपना क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर क्रिएट करने के बाद सिंपल दोस्तों, आपने जीमेल को ओपन करना है। जैसे जीमेल को ओपन करोगे तो आपके सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करना होगा, और सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सी ऑल सेटिंग पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या फायदा होगा वो भी आप यहाँ पर अभी जानोगे। तो आपने सिंपल नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये जो आप देख रहे हैं इस वाली सेटिंग को ऑन करने के बाद दोस्तों ये खुद पे खुद उस बंदे को यहाँ पर ईमेल सेंड कर देगा। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप यहाँ पर सेपरेट ईमेल ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर क्या सेंड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों उस वाली वेबसाइट का आपको नाम जानना होगा जिसका नाम है Quora.com। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है Q&A वाली। तो यहाँ पर जो भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर देते हैं और गूगल में रैंक करती है काफी सारी पोस्ट और आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही फायदा उठा सकते हो, काफी यहाँ पर उठा रहे हैं और मैंने खुद उठाया है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वाले मेथड को। तो आपको एक टिप और दूंगा कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं काफी सारे लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पर सिंपल सर्च करोगे कोरा में जाकर। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लॉग इन कर लेना अपनी जीमेल आईडी से जाकर। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन जैसे ये सर्च करते हैं। तो लेकिन दोस्तों इससे भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा समय लगेगा। इसलिए मैं आपको कम समय वाला आपको वर्क बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये मेरे सामने काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जिन पर मैं क्लिक करके उनका जवाब दे सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने देखिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सिंपल दोस्तों हाउ डू आई मेक मनी ऑनलाइन, तो मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप आंसर के ऑप्शन पर क्लिक करके आंसर दे सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। साइट आपने यहाँ पर लिखना है, रेशियो लगाकर आपने Quora.com लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी कीवर्ड पर यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे। मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड हमारे यहाँ पर नीच है, तो हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों वो एक ही को करना है। आप ऐसा नहीं है अलग अलग प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लग रहे हैं, आप यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करना सबसे पहले जब दोस्तों आपकी सेल आने के ज्यादा चांस बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो बताया आपको स्ट्रेटेजी में कि आपने कोई भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पर आर्टिकल जाकर देख लेना है जो भी आपको सही लगे। तो इससे ये फायदा होगा, एक तो सबसे पहले आपको SEO आर्टिकल मिल जाता है जो आपको रैंक करने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपने सिंपल अपने गूगल में जाकर ये सर्च कर लेना और यहाँ पर देखिए काफी सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कोई से भी एक क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग मेथड। तो मैं इस वाले को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद मेरे सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा जिसके काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी आंसर दिए हुए हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 1895 आंसर पहले से हो चुके हैं जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वाली पर 4000, तो यहाँ पर 35 आंसर, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैं इसे ओपन करता हूँ एक नेक्स्ट पेज में, और जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर ये बता दूं, आप जैसे ये सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सिर्फ Quora.com वेबसाइट के ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर और भी काफी सारे पेज देखने को मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे और इससे आगे भी मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन की कमी नहीं पड़ेगी और आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं इस वाले प्रोसेस को फॉलो कर कितने भी जितना आप दे सकते हैं। तो अब जैसे कि दोस्तों हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर अब हमें आंसर देना होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। उसके बाद आपको आंसर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपने सिंपल इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपल अब यहाँ पर देखिए आपको आर्टिकल यहाँ पर खुद से नहीं लिखना, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है जो मैं आपको बताता हूँ, और जो अर्निंग होगी आपकी क्लिक बैंक अकाउंट में होगी और वो आप विड्रॉल कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं आर्टिकल कैसे लिखना है। सिंपल जाएंगे इस वाली वेबसाइट पर। इस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर देखिए काफी सारे पॉइंट बताए गए हैं, लेकिन आपने सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स को आपने यहाँ पर बताना है जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर आप जो लिखोगे तो उससे पहले आपने कुछ इस तरीके से लिख देना है, या मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आर्टिकल का आंसर की तरह मैंने दे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4-5 पॉइंट यहाँ पर मैंने बताए हैं यहाँ से कॉपी कर, जो कि आप भी कर सकते हैं। कॉपी करना है सिंपल दोस्तों, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। और दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 3 या 4 पॉइंट भी बता सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है आप इतना बताएं। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप सबके आंसर दे सकते हैं। और लेकिन उससे पहले आपने एक काम जरूर करना है अर्निंग करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ इस तरीके की लाइन लिखी हुई है, तो आपने भी ऐसे ही लिख लेनी है अपनी लैंग्वेज में, या आप इसे भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है, आई रियली अर्न $8,000 इन अ मंथ विद द असिस्टेंस ऑफ अ फ्री वीडियो। मैंने यहाँ पर बताया कि मैंने कैसे फ्री वीडियो की हेल्प से $8,000 कमाए हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अगला स्टेप लिखा है,
इफ यू हैव एनी डिजायर टू वॉच इट यू कैन ईमेल मी दिस एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जीमेल आईडी, और यहाँ पर जिसे भी इंटरेस्ट होगा $8,000 मंथ का अर्निंग करने में इस फ्री वीडियो की हेल्प से, क्योंकि दोस्तों हमारे जो एफिलिएट पेज था जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये वीडियो है, तो वीडियो की हेल्प से दोस्तों यहाँ पर मैंने कमाए हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने वहां पर बताया है, तो आप भी ऐसा ही कुछ बता सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो फ्री वीडियो को देखने के लिए हमें ईमेल करेगा, यानी कि हमें मैसेज करेगा। जैसे ही मैसेज करता है कोई भी, तो उसके काम के लिए मैंने एक और चीज बताई थी जो आपको अगले प्रोसेस में बताता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है आई विल रिटर्न यू, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब जो भी इंटरेस्ट होगा वो जरूर करेगा। अब यहाँ पर 5 पॉइंट बता दिए, सबसे पहले तो वो इन्हें रीड करेगा, और रीड करने के बाद दोस्तों फिर से मैंने ये रिपीट कर दिया जैसे कि ऊपर किया था, आई रियली अर्न $8,000 इन अ मंथ विद द असिस्टेंट ऑफ अ फ्री वीडियो। फ्री वीडियो से कैसे मैंने $8,000 कमाए, कुछ इस तरीके से फिर से मैंने रिपीट कर दिया, तो आपने भी कर देना है सिंपल। उसके बाद आपने पोस्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, और ऐसे ही दोस्तों सबके आपने आंसर देने हैं जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, और आपको क्वेश्चन की कमी नहीं पड़ेगी यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था आप 9 पर भी 8 पर भी क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ कोरो के ही मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद अगला स्टेप आपका यह है, जैसे आप ये ईमेल कर देते हो यहाँ पोस्ट कर देते हो पोस्ट, तो पोस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है, आप जीमेल आईडी में जाएं और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देना होगा, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट दे देते हैं। तो सब्जेक्ट मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया, स्टार्ट मेक मनी ऑनलाइन टुडे, आज ही से स्टार्ट करें ऑनलाइन अर्निंग करना, तो कुछ इस तरीके से मैंने सब्जेक्ट दिया, तो आपने भी दे देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने लिख देना है क्लिक हेयर, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर दे दिया है टाइटल का टेक्स्ट। और उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप यह है कि आपने जो एफिलिएट लिंक कॉपी किया था उसे यहाँ से फिर से कॉपी करना है, और नए ब्राउजर में जाकर आपने यहाँ पर सर्च करना है टिनी यूआरएल। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप टिनी यूआरएल को सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एफिलिएट लिंक को पेस्ट करना है और मेक टिनी यूआरएल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर टिनी यूआरएल का शॉर्ट एंड लिंक मिलता है तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है, उसके बाद फिर से जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और उसके बाद सेव चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब जो भी कोई यहाँ पर उस वाले पोस्ट को देखकर आपको ईमेल करेगा तो ऑटोमेटिक ये वाला मैसेज उसको चला जाएगा, और जैसे ही वो वहां पर जाएगा एफिलिएट पेज पर, अगर वो इंटरेस्ट होगा दोस्तों यहाँ पर जरूर उसे बाय करेगा और आपको ऐसे कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये प्रोसेस था तो जो मैंने आपको बताया आज की वीडियो में। और दोस्तों इसका यूज काफी लोग करते हैं और मैंने भी किया था, यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिला इसलिए मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। और भी काफी सारे तरीके हैं जिनका मैं आने वाली वीडियो में लेकर आऊंगा, और भी मेथड लेकर आऊंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई अर्निंग के साथ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं।